मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, उड़ान भरी जाती है। जैसे हमारे साथ आज मौजूद हैं कृष्ण कुमार जी, आपने वही उड़ान भर के बताया है, हौसलों से उड़ान होती है। उसको लेकर क्या कहेंगे, जो आपने मुकाम हासिल किया है, इतनी मेहनत से मुकाम हासिल किया है, आपने क्या क्या नहीं किया, वो दिन भी देखे आपने, जब आपको आपने वेटर की नौकरी भी करी, आपने डीजे का काम भी किया, वो भी देखा है, आप क्या कहेंगे आप दर्शकों को? पहले तो नितिन भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप हमारे मित्र भी रहे हैं और आपसे तो आप आए यहाँ, मुझे बहुत खुशी, बहुत ज़्यादा खुशी। क्योंकि जो उत्तराखंड PCS है उसे निकालने में बहुत मेहनत लगती है, पीछे देख ही रहा हूँ, बहुत बुक्स रखी हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे, क्या क्या किस तरह से आपने मुकामी हासिल किया, बच्चों को भी पढ़ाया है आपने? जी देखो, मेरी जो जर्नी रही है, मैं ग्रामीण क्षेत्र से ही रहा हूँ, गाँव बेलडा से रहा हूँ, और मेरे माता पिताजी के तो मैं बता भी चुका हूँ कि मेरी माताजी का देहांत तो 2002 में हो चुका था, तब तो मेरी उम्र काफ़ी कम थी जी, और शायद 9th क्लास में था मैं उस समय, और होली का दिन था, उस दिन मेरी माताजी एक्सपायर हो चुकी थी, और बड़ा दुख हमारे आप लोग बोल भी नहीं सकता, तो उनको मैं बहुत मिस कर रहा हूँ। इसके बाद तो हमारा जीवन बड़ा ही कठिन हो चुका था, क्या करें, कैसे करें, कहाँ से खाएं, क्या करें, और पिताजी भी कोई ज़्यादा वो थे नहीं, बेचारे रिक्शा चलाते थे, और रिक्शा चलाकर जैसे तैसे लाते थे हम, जो भी उससे हमारा गुजारा चल जाता था। धीरे धीरे ये समय बीतता चला गया, मैं भी अपनी पढ़ाई पूरी करता रहा, और मेरा जो ग्रेजुएशन हुई वो BSMPG कॉलेज से रही है, और पोस्ट ग्रेजुएशन भी वहीं से रही है। इसके साथ साथ जो मेरी स्कूलिंग और ये तो गांव से ही रही है। तो इसके बाद मैं फिर जैसे सोचा कि अब तैयारी करूँ, जैसे MA में आया, तो MA के लास्ट ईयर में मेरे पिताजी का देहांत हो चुका था सन 2011 में, तो अब उससे तो और भी ज़्यादा टूट चुके थे कि अब तो घर की हालत इतनी ख़राब हो चुकी थी, कहाँ से खर्चा करें, क्या करें अब सर। फिर इसके बाद तो आदमी स्ट्रेस बढ़ जाता है कि भाई पढ़ाई भी नहीं हो पाती, लेकिन आपने फिर भी अपना संघर्ष जारी रखा। हाँ सर, मेरा यही था कि मुझे बस करना है तो करना है, क्योंकि अब मैं अपने गांव में भी देखता था लोगों को, बच्चों को भी देखता था, ऐसे सेम बेचारे आज तक कहीं यहाँ तक मुकाम तक हासिल ही नहीं कर पाए। मैं तो ये चाहता हूँ कि मुझे देखकर उनको भी एक मैसेज जाए कि वो भी पढ़ना शुरू कर दे, कि परिस्थितियाँ कोई भी हो लेकिन हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि मैंने खुद 2004-05 से ही काम शुरू कर दिया था, क्योंकि जैसे मेरी माताजी का देहांत हो चुका था, उसके बाद ही हमें काम तो करना ही था। जैसे मैं वेटर का काम किया शादी पार्टी में, यही सब काम करते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है, ऐसा नहीं कि भाई उनसे मुझे कुछ एलर्जी है काम से, या कोई काम कोई बड़ा छोटा नहीं होता। इसके साथ साथ मैंने सर फिर DJ बजाना भी शुरू कर दिया, DJ ऑपरेटिंग का काम काफी समय तक किया, रुड़की में भी, लक्सर में भी देखा है मैंने। हाँ हाँ, तो फिर वहाँ से मेरी थोड़ी इनकम आती रही। इसके बाद जब मैं तैयारी में आया 2011 के बाद, पिताजी की मृत्यु हो चुकी थी, तो इसके बाद सर मैंने क्या किया, जब अपनी तैयारी भी की, इसके बाद मैंने सर पढ़ाना शुरू कर दिया था, और सेल्फ स्टडी करना शुरू कर दी थी, और जैसे मैं कोचिंग देता था तो सर कोचिंग में भी पढ़ाया, और आप तो जानते मेरे बारे में, तो सर मैंने ज़्यादातर बहुत गरीब लोगों को भी ऐसे ही पढ़ाया, मैंने फीस का तो मैं आपको पता है, मतलब उनके उनका भी जानते थे कि भाई अगर किसी के पास पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं, हम पढ़ा ही देंगे। कंडीशन में झेल चुका था कि कहीं ना कहीं, अब देख लीजिएगा, गरीब परिवार का बच्चा, जब मैं यहाँ तक आया तो वो सामने वाला आता था कि सर कोचिंग ले, मैंने कहा भाई पैसे की बात मत कर, अगर पढ़ने का जज्बा है तो पढ़ लीजिएगा, और अगर खाली बस यहाँ आया टाइम पर पास करने के लिए तो मैं क्या कर सकता। अच्छा, आप उत्तराखंड PCS के लिए तैयारी करते ही आप सोच रहे हैं कि भाई UPSC का भी एग्जाम दिया जाए? अब यही सोच रहा था कि एक बार इस्टेब्लिश हो जाऊँ थोड़ा बहुत, अब मुझे तो बहुत खुशी है इसमें मेरा सिलेक्शन हो गया, अब आगे तो नेक्स्ट टारगेट वही है मेरा। तो बैकग्राउंड अब मिल गया है आपको कि भाई अब ऐसी स्थिति नहीं है कि आप UPSC की तैयारी कर सकते हैं आराम से? सर स्थिति तो आज भी वही है, आपको पता है कि अभी जब तक आदमी तैयारी करता है तो कुछ कमाता तो है नहीं, अब जैसे तैसे करके घर का या पेट भरना यही था सर, फीस वीस का तो सर मेरा रहा ही नहीं बच्चों तो से। शादी कब हुई थी फिर आप? सर शादी सन 2018 में। 18 तो सर 18 में रही है शादी, और इसमें मेरी वाइफ का तो बहुत बड़ा रोल रहा है, आप जानते हैं कि मेरे भाई तो बेचारे वो भी मजदूर हैं,
एक भाई मेरा ट्रैक्टर चलाता है, एक भाई कारपेंटर, और उनका भी जहाँ तक उन बेचारों से बन पड़ा है उन्होंने भी किया। हम तो कच्चे मकान में रहते थे सर, आज भी गांव में ऐसी हालत है, और एक मकान भी बनाया लेकिन प्लास्टर तक नहीं उसके ऊपर भी। अभी मैं गांव गया भी था और मेरा उन्होंने ऐसा भव्य स्वागत किया, मैं सोच भी नहीं सकता। गांव के हर आप, एक भाई, भाई कितने हैं आप? हम तीन भाई, मैं सबसे छोटा हूँ। एक सबसे बड़ा भाई जिसका नाम राजू है, उससे छोटा राजकुमार है, और उसे कुकी भी कह दे गाँव में, और मेरा नाम। वो क्या करते, वो लोग क्या करते? बड़े वाले भाई मजदूरी करते हैं बेचारे, जैसे ट्रैक्टर चला दिया या कहीं भी चले, किसी भी प्रकार की मजदूरी। सबकी शादी हो रखी है? हाँ, सबकी शादी हो रखी। मैं सबसे छोटा था, अब मेरी भी शादी हो गई थी, तो अब देखो घर की जिम्मेदारियां आ जाती है, उनके पास भी उनके बीवी बच्चे हैं, तो अब उनका भी देखना है। अब जब माता पिता को याद करते होंगे तो फिर सोचते होंगे कि हाँ, अगर वे होते तो उन्हें कितना प्राउड फील होता। सोच लीजिएगा आज मेरी क्या हालत है। जिस दिन मेरा रिजल्ट आया, आपको मैं क्या बताऊँ, मेरी हालत ये थी, मैं 8 बजे रिजल्ट देखा और मैं स्तब्ध रह गया कि मैं क्या करूँ, और आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं सारी रात मैं रोता रहा अपने माता पिता को याद करके। वो खैर मैं फिर मैं ज़्यादा हो जाऊंगा सर, तो मेरी माताजी बहुत प्यार करती थी, खैर सबकी माताजी करती हैं, और पिताजी का भी यही था। और बीमारी में ही बहुत, मेरी माताजी को बीमारी हो चुकी थी, हार्ट अटैक हो गया था, और गांव में सर ना तो खर्चे के लिए पैसे थे, कहाँ से इलाज कराते क्या कराते, जैसे तैसे करके सर रुड़की उनको उठा कर लाए थे। होली वाले दिन, फाग वाले दिन सुबह 4 बजे उनकी डेथ हो गई थी। और सर फिर आप लोग समझ सकते हैं, छोटे बच्चों को कौन पाले। अब आगे का क्या सोच रहे हो कि क्या करना सर है? आगे मैं सोचता हूँ, जो मैं स्थिति को मैं झेल चुका हूँ, मैं चाहता हूँ आगे जनरेशन कोई ना झेले, और मेरे से जितना बन पड़ेगा, चाहे किसी भी समाज से हो या मेरे समाज का व्यक्ति, जैसे मैं निकल कर आया उनकी तो वैसी। आपने कहा कि पत्नी का भी अहम रोल रहा है, अमूमन अब ऐसा देखा नहीं जाता, हर घर में ऐसा ही चल रहा है, तो कैसा देखते हैं कि भाई आपको जीवन साथी अच्छा मिला है? सर जीवन साथी तो बस मैं कहूँ कि मेरे नसीब अच्छे हैं, क्रम अच्छे रहे कि इसके पैर मेरे घर में पड़े हो, तो सर आप देख लीजिएगा मैं कहाँ तक पहुँच चुका, वरना आप लोग जानते हैं कि मेरी हालत क्या थी। और आज कम से कम मैं आप लोगों के सामने बैठा इंटरव्यू दे रहा, ये मेरा सौभाग्य कम से कम मेरी बात की वजह से है, और मेरे भाइयों की वजह से, मेरे माता पिता का तो खैर मेरे सिर पर सदा। कृष्णा कुमार की जो आपने बातें सुनी हैं, आपने देखा कि उन्होंने अपने जीवन में कितनी मेहनत की है अब तक, और आप भी ये मेहनत कर सकते हैं। जो मेहनत करता है फल उसी को मिलता है, चाहे देर से मिले, लेकिन आपको सतत प्रयास और मेहनत करते रहना चाहिए। अगर हाँ आपका विश्वास टूट गया, आप डगमगा गए, तो आप उस राह से फिसल जाएंगे और वो कामयाबी आपको नहीं मिलेगी। आपने भी कभी सोचा ऐसा कि यार कैसे होगा, अब तो मैं छोड़ ही देता हूँ पढ़ाई, ऐसा सोचा कभी? ऐसा हुआ सर, मेरे सामने इतनी कंडीशन आई, क्योंकि मैं सन 2012 वाला पीसीएस मेंस लिख चुका था, और जब मेरा उसमें ये कौन सा अटेम्प्ट था आपका? सर ये मेरा थर्ड था अटेम्प्ट, तो वैसे तो मैंने एक तो दिया नहीं था 2016 वाला, 2012 वाला दिया और 21 वाला था सर, दूसरा अटेम्प्ट था मेरा। लेकिन इससे पहले मैं एक टैक्स रेवेन्यू इंस्पेक्टर में भी सिलेक्शन मेरा हो चुका था, इंटरव्यू के लिए मैं पहुंच चुका था, परंतु वो मेरा इंटरव्यू क्लियर नहीं हो पाया था। इसके बाद सर मेरा एक अपर निजी सचिव वाला हुआ था, उसमें मैं किसी कारणवश मेंस में बैठ नहीं पाया था, प्रीलिम्स हो चुका था जी। और फिर सर अब मेरे सामने और कुछ था ही नहीं कि अब तो वरना जिंदगी खराब ही हो जाएगी, अब करना क्या सर। इतनी परेशानियों के बाद भी पीसीएस अफसर अब कृष्ण कुमार बन चुके हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि जो विद्यार्थी अभी तैयारी कर रहे हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं तो यही कहूँगा कि चाहे किसी भी परिस्थिति, कोई भी परिस्थिति हो, अमीरी हो, गरीबी हो, या आपके पास कोई संसाधन ना हो, तो कम से कम अपने बच्चों को आप लोग इस परिस्थिति से ना गुजरने दें। और कहीं से भी किसी प्रकार से अगर मेरी भी कहीं किसी को आवश्यकता है, चाहे पढ़ाई में या किसी को मेरे गाइडेंस की ज़रूरत हो, प्री का हो, मेंस का हो, किसी भी प्रकार की, यहाँ इवन इंटरव्यू तक का, जहाँ तक भी अगर किसी को मेरी हेल्प की ज़रूरत हो, मैं तत्पर हूँ, उनके लिए खड़ा हूँ, और निःशुल्क निस्वार्थ भाव से मैं सेवा करूँगा। तो सिलेक्शन अमीरी गरीबी नहीं देखता? नहीं सर, आज पता चला कि गरीब का, ये देखो दोस्तों, सिलेक्शन अमीरी और गरीबी नहीं देखता, जो मेहनत करता है उसका सिलेक्शन होता है। तो इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो जो इन्होंने उपलब्धि हासिल की है, पीसीएस परीक्षा पास की है, आप वाइफ हैं इनकी, तो क्या कहेंगी, कैसे देख रही हैं आप? भाई सर, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने, आप यहाँ आए और आपने हमसे बात की। सर मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि मैं अपनी खुशी शब्दों में बयान नहीं कर सकती। इन्होंने इतनी मेहनत की और इन्हें इनकी मेहनत का फल मिल गया है, आपको भी पता है सर। मैं इतनी, मतलब इतनी खुश हूँ कि मैं कुछ बोल भी नहीं पा रही हूँ, पर मैं बहुत खुश हूँ। और मैं चाहती हूँ कि मतलब जैसे इन्होंने मतलब इतनी मेहनत के साथ में ये परीक्षा पास की है सर, मैं चाहती हूँ कि
और बच्चे भी इनसे इंस्पायर हों और वो भी ऐसे ही मेहनत करके आगे बढ़ें और अपना ऐसे ही अपने गांव का नाम रोशन करें, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। सर जैसे ही इन्होंने अपने पूरे गांव का नाम रोशन किया है, सर मैं ये चाहती हूँ कि सर और बच्चे भी ऐसा ही करें। तो आप अपने बच्चों को क्या बनाना चाहती हैं? तो पीसीएस बन गए। सर बस मैं भी अपने बच्चों को सर जो बनना चाहें सर वही बनाऊंगी। मतलब कोई प्रेशर नहीं है कि भाई तुम नहीं, पीसीएस? सर, सर प्रेशर बच्चों के होना भी नहीं चाहिए सर। आईएएस कोई प्रेशर नहीं, जो वो बनना चाहे सर जो भी बनना चाहे सर बच्चों को तो बस वही बनाना चाहिए।